गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एनाफिजियो एंड पैथोलॉजी क्लास, जिसके अंदर हम जॉन्डिस पढ़ेंगे। जॉन्डिस का बायोकेमिकल असेसमेंट और सर्जिकल जॉन्डिस को कैसे अपन असेस करते हैं वो देखेंगे। इसी जो हमने अभी लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ा था, जॉन्डिस या बाइल का मेटाबॉलिज्म, उसी की ये नेक्स्ट क्लास है। देखिए, जॉन्डिस जो है ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपैटिक। एक्चुअली जॉन्डिस जो है वो तीन तरह का होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। क्योंकि हमने पढ़ा था ना भाई, वो ब्लड में जा रहा है, लीवर में जा रहा है ना। तो ब्लड में जब वो होता है तो प्री हिपैटिक, लीवर में गया हिपैटिक, और लीवर से बाहर निकला पोस्ट हिपैटिक। मतलब ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन के टूटने में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा टूट रहा है वो, तो उससे जो जॉन्डिस होता है उसको प्री हिपैटिक जॉन्डिस या हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। लीवर में जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस चल रहा था, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो उसको हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं। और उससे बाहर निकलते समय कोई रास्ते में रुकावट आ गई थी तो लीवर से बाहर वो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उसको पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इसमें एक्स्ट्रा इंट्रा हिपैटिक कोलेस्टेटिस में, या एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, सर्जिकल जॉन्डिस इसको कहा जाता है। ये क्यों आ जाता है? गॉल स्टोन की वजह से, हिपैटिक ट्यूमर की वजह से, या हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा की वजह से, या पेनक्रियास के हेड का कैंसर हो जाए, या लिम्फ ग्लैंड एनलार्ज हो जाए, बाइल डक्ट पर प्रेसिंग हो जाए उसकी वजह से। अब कोलेस्टासिस में बाइल के फ्लो में स्टॉपेज आ जाता है, प्रोलॉन्ग कोलेस्टासिस में बाइल डेफिशिएंसी हो जाती है फैट के माल एब्जॉर्प्शन की वजह से, या फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए डे ई के माल एब्जॉर्प्शन से, जिसे नॉर्मल बाइल का एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो जॉन्डिस कॉज करेगा। इसमें एबनॉर्मल लाइपोप्रोटीन एक्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, एल्ब्यूमिन, सेल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स वगैरह होते हैं एटीपी के साथ में। बिलिरुबिन जनरली बढ़ जाता है केवल तब जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है एक्स्ट्रा या इंट्रा हिपैटिक कोलेस्टासिस के अंदर। बायोकेमिकली अपन इसको कैसे देख सकते हैं? भाई, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल आपको बढ़ावा दिखे, नॉर्मल तो 2300 IU पर लीटर, अगर ये 10 से 12 गुना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज करेगा। उसमें 300 IU इसकी वैल्यू दिखाई देती है। दूसरा, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, गामा GT के थ्रू इसको देख सकते हैं। नॉर्मल है 10 से 47 IU पर लीटर इसकी रेंज, और मार्कली इंक्रीज इसका लेवल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हो जाता है। इसके अलावा दूसरे कैनालिक्यूलर एंजाइम्स जैसे कि सीरम सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज SDH बढ़ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। सीरम में SDH का लेवल, सीरम 5' न्यूक्लियोटाइडेज का लेवल 217 IU पर लीटर हो जाता है, लगभग 100 IU ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हो जाता है, पर बोन डिजीज में इसका कोई एलिवेशन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा सीरम ल्यूसिन अमाइनो पैप्टाइडेज LAP नॉर्मल रेंज है 15 से 56 mA, इंक्रीज हो जाती है मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए अगर बिनाइन ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा होता है। बिनाइन ऑब्स्ट्रक्शन में 75 से 184 mA हो जाती है इसकी, और मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन 67 से 340 mA उसकी वैल्यू हो जाती है। इसके अलावा दूसरे एनालाइट्स में सीरम बिलिरुबिन लेवल जो नॉर्मल मैंने कहा 0.27 mg है, 50% तक इसका बढ़ जाता है, मतलब 1 से 2 mg हो जाता है, वो जॉन्डिस को इंडिकेट करता है। अब कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसमें बढ़ जाता है, यूरोबिलिनोजन कम हो जाता है या यूरिन में एबसेंट होता है, स्टर्कोबिलिनोजन भी कम हो जाता है या फीसिस में एबसेंट होएगा, तो क्ले कलर का स्टूल पास होएगा ऐसे केस में। SGOT, SGPT सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो अपन लीवर डिजीज़ वगैरह में देखते हैं। SGOT को ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज भी कहा जाता है। यह एंजाइम पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की इसको आवश्यकता होती है कोएंजाइम के रूप में। नॉर्मल लेवल होता है मेल में 13 से 35 और फीमेल में 10 से 30 और बढ़ जाएगा तो 100 से 300 ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को इंडिकेट करेगा। ASD जिसको SGOT कहते हैं, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, नॉर्मल लेवल ALT जैसा ही बढ़ जाए तो 100 से 300 हो जाता है, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब PT ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बढ़ जाता है। कैंसर एंटीजन भी आप देख सकते हो, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया तो ये दिखाई देंगे। तो कार्सिनोमा, बाइल डक्ट के कार्सिनोमा का ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। स्टीटोरिया फैट अगर स्टूल में प्रेजेंट होता है 6 ग्राम से ज़्यादा फैट तो उसको स्टीटोरिया कहते हैं।
तो ये है ना फिजियो की भी क्लास है बच्चों, और ये पैथोलॉजी भी क्लास है, तो पैथोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी इस पे ध्यान दें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।